दुर्ग निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते पिछले कई दिनों से पुलगांव पुल स्थित एसएलआराम सेंटर के चलते फैली गंदगी से नाराज शहरवासियों ने अपना आक्रोश जताया, साथ ही सार्वजनिक बैठक बुलाकर इस फैली गंदगी को हटाए जाने की मांग की। दुर्ग पुलगांव वार्ड के किनारे बने एसएलआरएम सेंटर द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से पीड़ित कॉलोनी वासियों ने आक्रोश जताया, साथ ही एक सार्वजनिक बैठक बुलाकर दुर्ग निगम के अधिकारी और दुर्ग पुलिस की मौजूदगी में सार्थक चर्चा की। इस दौरान दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और दुर्ग सीएसपी चिराग जैन के साथ सार्वजनिक चर्चा कर पीड़ा व्यक्त की। भाई साहब देखिए, सर बैठे हैं, कोई भी बात शांति से होगी, ये इसका ध्यान रखेंगे। एक मिनट, भाई शांति, आप लोग एक बार चलिए हमारे साथ उस रोड में, रोड है ना, अप डाउन है रोड, यदि एक गाड़ी आती तो हमको उस ऊपर से ऐसा चढ़ के नीचे निकलना, घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए। गिर चुके सर, इतने वरिष्ठ लोग आए, आप देखिए कितने लोग आकर बैठे हैं, सर आकर बैठे हैं, पब्लिक भड़ गए, पब्लिक को तकलीफ हो, यहाँ इंतजार करते हैं। आप लोग कराते हो, पब्लिक को भड़काने का कारण आप लोग करते हो, अधिकारी लोग। अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा काम, गंदा काम होगा ही नहीं, लेकिन अधिकारी ध्यान। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए कॉलोनी वासी सहित शहरवासी भी मौजूद रहे। अधिकारियों से बारी बारी चर्चा कर सभी ने अपनी परेशानियां गिनाई। इस दौरान कॉलोनी के रहवासियों ने कहा कि निगम की अनदेखी का खामियाजा यहां रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही आसपास फैली गंदगी से कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में शहर के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। बैठे हैं कि हमारा रोड का स्थिति ऐसा गड्ढा है कि आए दिन बच्चा गिर रहा है, बूढ़ा गिर रहा है, पानी में पानी भर जाता है, बरसात का समय है तो दिखता नहीं है गड्ढा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ डंपिंग की कि 5 वाट का एसएलआराम के लिए रखा गया था, 5 वाट का कचरा आएगा बोल के 60 वाट में 60 वाट का कचरा इधर ही डाल रहा है और उसमें छोटा मोटा कुत्ता बिल्ली आता है उसको वहीं उसी कचरा में दफना दे, उसके बदबू बिशप ग्रीन सिटी महेश कॉलोनी कम से कम यानी आधा किलोमीटर के अंतराल में पूरा बदबू फैल रहा है और करीब करीब ये चालू आज चर्चा ये हुआ कि हमको 7 दिन में सब समस्या का हल निवारण करके देंगे बोला। ये नहीं करेगा तो 12 तारीख तक नहीं करेगा तो हम 13 तारीख के धरना प्रदर्शन देंगे। इस रोड पर एक समस्या विकराल रूप लेती जा रही थी, रोड की समस्या, रोड में इतने गड्ढे जहाँ से बच्चे महिलाएं पुरुष सब गुजर रहे थे और रोज दुर्घटनाएं हो रही थी। लगातार सोशल मीडिया में चलने के बाद भी कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब इस कॉलोनी वासियों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम चक्का जाम करेंगे तो सीएसपी चिराग जैन की मध्यस्थता के बीच में इनसे एक सार्थक वार्ता हो रही है आज और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर हर हालत में ये रोड ठीक करेंगे और बाजू का जो ट्रेचिंग ग्राउंड है जहाँ पूरे निगम का पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है उसको हम हटा रहे हैं और पूरे पब्लिक ने आज निर्णय लिया है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर यह समस्या हल नहीं होती तो पुनः चक्का जाम की कार्यवाही यहीं से प्रारंभ होगी। आज सर की मध्यस्थता के कारण हम 1 हफ्ते का समय देकर हम इस समस्या से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अधिकारियों से प्रशासन से किसी भी प्रकार का कोई बैर विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी समस्याओं का निराकरण हो और वो सार्थक स्थिति तक पहुँचे। प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा था कि पूरा पुलगांव का जो पुल है उस पुल में रोड कम और गड्ढे ज़्यादा थे, उस गड्ढे से आम जनता को इतनी तकलीफ हो रही थी कि लोग गिर रहे थे, जख्मी हो रहे थे। उसको देखते हुए जनता के हित में पूरे ऋषभ गिरी सिटी, महेश नगर और पुलगांव की बस्ती के पूरे नागरिक सब मिलके उस गड्ढे को भरने के लिए अधिकारी से निवेदन किए और साथ ही साथ पुल के नीचे में कचरे का जो डंप हो रहा था उस डंप से पूरा बीमारी फैल रही थी और इतनी बदबू आ रही थी जिससे लोग परेशान थे। तो हम लोग 2 मांगों को लेके, एक कचरा डंप नहीं होना चाहिए और पुल के ऊपर का जितना गड्ढा है उसको भरना चाहिए, ये दोनों मांग को लेके हम यहाँ 500 लोग एकत्रित होके अधिकारियों से मांग की है। यहाँ पे 2-3 तरह की है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कचरे की है। अब आप देखिए, कल हम जा रहे थे तो एक ऑटो रिक्शा वाला हमको बोल रहा है कि इतना बड़ा प्रोग्राम करवाते हो आप लोग यहाँ पे जो 9 दिन की रामायण हो रही है और इतने कचरे का व्यवस्था नहीं करते हो,
पूरे शहर के लोग आ रहे हैं और नाक पे ऐसे रुमाल रख रख के जा रहे हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं, यहाँ पर अगर बीमारी फैले की तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर पुल में गड्ढा है तो वो गड्ढा इस हद तक हो रहा है, पता चला छेद ही हो गया, तब जाके क्या प्रशासन उठेगा? प्रशासन को जरूर और जल्दी कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। जो हम एक्टिवा में बच्चों को लेके चल रहे हैं, आगे एक बच्चा पीछे बच्चा, उन महिलाओं से पूछे कि उन गड्ढों से कैसे बचा के वो चला रही हैं और कैसे अपने बच्चों को लेके जा रही है, इनसे पूछिए। इनको रोज इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दिन में 2 से 3 बार आना जाना होता है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक सामने रहती है एक पीछे रहता है। मैं गाड़ी बैलेंस कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि एक गड्ढे को मैनेज करो तो दूसरा सामने आ जाता है। अब गड्ढे से बचने के लिए नीचे से उतरो तो कचरा रहता है। मेरा बेटा एलर्जी वाला है, वो कचरे की स्मेल चढ़ गई, बीमार हो गया है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी भी मैं बच्चों को घर में छोड़ गई हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ है। महेश कॉलोनी के रेजिडेंट्स द्वारा एक सूचना दी गई थी कि वो कुछ प्रदर्शन करेंगे, उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे। 2 मेनली चीज़ों को लेकर ग्रीवेंसेस थे, एक सड़क पुलिया को लेकर और एक SLRM सेंटर को लेकर। तो उसी पे संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हुए और सभी के साथ चर्चा की गई और इसमें कुछ रास्ते निकाले गए और अभी सब कुछ शांतिपूर्वक रहा और आगे जो भी लोगों की समस्याएं हैं उस पे हम सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। किस प्रकार का रास्ता निकाला गया? जैसे पुलिया में गड्ढे हैं, पुलिया की कंडीशन ख़राब है, उसको लेकर PWD डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके अधिकारी द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए हैं और उस पे उसको सही करने के लिए उनके द्वारा बोला गया है। और ऐसे ही वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या भी कुछ थी तो उसको लेकर नगर निगम के द्वारा भी कुछ आश्वासन दिए गए हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। चक्का जाम वाले जैसे कुछ बात आ गई थी? नहीं, चक्का जाम की सूचना थी लेकिन वो चक्का जाम नहीं हुआ। इस चक्का जाम की वजह एक शांतिपूर्वक मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में जो भी इश्यूज थे उनको सुलझाया गया। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।